जालंधर के सेठ हुकमचंद कॉलोनी में एक बंद रेस्टोरेंट में देर रात आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने दुकान मालिक और दमकल विभाग को सूचना दी। इस आग में रेस्टोरेंट में पड़ा सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने का कारणों का पता नहीं लग पाया है। इस मामले पर दमकल विभाग को दुकान मालिक दलजिंदर सिंह ने बताया कि पिछले काफी समय से उसका रेस्टोरेंट बंद था, देर रात को अचानक ही आग लग गई। पड़ोसियों ने जो है उसे इस आग के बारे में बताया। जब वे मौके पर पहुंचा तो देखा कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। बहरहाल दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पा लिया। मेरा नरेश कुमार, लीडिंग फायर मैनेजर। आग लगी सी कितने लगी सी, कितने बजे लगी सी? ते सानू 11 बजे तला आई सेठ हुकमचंद कॉलोनी दे कोल 25-26 नंबर दुकाना दे विच अग लगी है। पुराना कल्पना रेस्टोरेंट, असी अग बुझा के वापस आ गए। ते की सीगा समान दुकाना अंदर पिया ते किन्ना कु नुकसान? दुकाना बंद सीगियां उन्हां दे, रेस्टोरेंट सीगा पुराना। सर मालक मौके ते पहुंचे सी, मालक नाल गलबात होई? मालक कहंदे अंदर कुछ भी है नहीं, कैबिन को बंद हो गया, छड़ के सो। ते कोई कारण पता लगा? ने कारण नहीं पता लग कितनी गड्डियां लगियां? अपने एक गड्डी ने कम कर गया, 10-15 मिनट लग गया।